सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें मेरठ के छात्र वत्सल ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेरठ के शुभम अग्रवाल ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। घर में एटमॉस्फेयर दिया था, खुश फील कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग तो हॉस्पिटल में थे, दोनों काम कर रहे थे, टीवी पे तो भी आना नीचे वो आईडी दबा रही है, आईडी दबा रही है। हमें बाद में बच्चों ने बताया कि 499 मार्क्स हैं। हम लोग तो वर्किंग में उसके लिए हमें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपने कितना टाइम दिया बच्चे को पढ़ाई में? मैम कैसे फील कर रहे हैं आज? तो आपको ऐसा लग रहा होगा टॉप ऑन द वर्ल्ड में। इतनी खुशी अपना रिजल्ट आने पे नहीं हुई थी, अपना सिलेक्शन होने पे नहीं हुई थी। कितने घंटे की एजुकेशन वो करता था इस मुकाम को पाने के लिए? 10 से 12 घंटे कम से कम उसने दिए हैं। हमें याद नहीं कि आज से जिसने कोई सैटरडे या संडे मिस किया हो। अब उसका लक्ष्य क्या है मैम? आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है पीजी के। सोशल मीडिया को ना जिगर छेड़ाएगी? सोशल मीडिया से मतलब जिगर मतलब जितना दूर रह पड़ा कि मम्मी के इसमें क्या? हमने अपने दूर नहीं रखा, हमने उनको ये सिखाया कि देखिए आपके लिए बेस्ट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप खुद डिसाइड करिए। हाँ, फेसबुक पे नहीं है बट व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने स्टडी ग्रुप्स हैं। और हमने ये अपने बच्चों में इम्बाइब किया है कि आप दुनिया पूरी करिए, बिल्कुल पूरी है, एंड देन डिसाइड करिए आपके लिए ठीक क्या है। निकाल दूं, हटा दूं। थैंक यू मैम। वत्सल, आपने पूरा ऑल इंडिया टॉप किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट बहुत सरप्राइज आया है। तो आपको लगा था कि आप टॉप कर पाएंगे? टॉप का तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे 495 के आसपास में उम्मीद थी। किसने कितना टाइम लगा आपके? 499। आपकी कमियां पीछे क्या क्या रखा? एनसीईआरटी के ऊपर बहुत फोकस किया, मैं वीक सब्जेक्ट कामयाबी पीछे क्या कर रहा है आपके? टीचर्स हैं और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल है, मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली का बहुत अच्छा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। मंत्र तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मंत्र नहीं था, बस एक वर्क टेबल की तरह स्ट्रेटेजी में मैं करता हूँ कि आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना है। सोशल मीडिया में क्या कहेंगे? स्पेसिफिक वर्क करना है। और इन फ्यूचर क्या करना चाहूँगा? मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, अब आईआईटी में जाना है। अच्छा, सोशल मीडिया को लेकर आप क्या करना? सोशल मीडिया सबसे कम हमें टाइम देना चाहिए, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है।